बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करनी है स्टूडेंट्स। अगर हम कोई से थ्री नंबर्स ले लें, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम लेते हैं 3, एक नंबर हम लेते हैं 4, इसमें ऐड करते हैं, फिर हम 5 ऐड करते हैं, इस तरह से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये देखें कि अगर हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहा हूँ, 3 और 4 को अगर हम पहले ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 7। बाद में हम 5 ऐड करते हैं तो 7+5 आंसर आया 12। इसी तरह यही नंबर दोबारा लेते हैं, 3+4+5, और अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊँ तो आप देखेंगे कि 3 हम पहले लिखेंगे प्लस, अब इनको 4+5 को पहले ऐड करेंगे, ये आएगा 9। 3+9 क्या आएगा, 12। आप देखेंगे पहले अगर हमने 3 और 4 को ऐड किया आंसर 7 आया, फिर बाद में 5 उसमें ऐड किया तो जो फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या आया, 12। और इसी तरह राइट हैंड साइड में आप देखें कि यही नंबर हमने लिए, इनको ऐड किया, पहले हमने 4 और 5 को ऐड किया वो आया 9, और 3 में हमने 3 बाद में ऐड किया तो आप देखेंगे इस केस में भी राइट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आया, 12। तो स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर्स के अंदर जो है बेसिकली एसोसिएटिव लॉ है। इसी को अगर आप अप्लाई करें सेम लॉ को मैट्रिसेस में, तो आप ये देखिए कि ये आपके सामने ये इस तरह से लिखा जाएगा। डेफिनेशन में देखें, इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये मैंने 3 मैट्रिसेस लिए हैं, अभी हम इनको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बकायदा, और हम फिर वेरीफाई करेंगे, हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं सॉल्व। ये देखें स्टूडेंट्स, ये लिखी हुई है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पहले ए का मैट्रिक्स आएगा, ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 एंड 6, उसके बाद क्या है प्लस ब्रैकेट भी यहाँ पे लगाएंगे, बी मैट्रिक्स क्या है, ये है इसके एलिमेंट्स 3, -2, 1 एंड 4, मैट्रिक्स लिखें, बाद में ये देखें ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस सी बाद में क्या है, हमने सी मैट्रिक्स लिखना है, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 1, 0 एंड 4। आइए जी इन दोनों को ऐड करते हैं, ये देखें 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो 2+3 क्या आएगा, 5 आएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2+3, 5। 3 में हम ऐड करेंगे -2 तो आंसर इसका आएगा 1, 5 में ऐड करेंगे 1 तो आंसर आएगा 6, 6 में हम 4 ऐड करेंगे आंसर आएगा 10। स्टूडेंट्स, ये देखिए पहले मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, ये आंसर आया, बाद में हम ये जो सी मैट्रिक्स है इसको ऊपर से देखें यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है इसके एलिमेंट्स 3, 1, 0, 4, इस तरह लिख के अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, 5 में हमने ऐड करना 3, स्टूडेंट्स डायरेक्ट करते हैं 5+3 क्या होगा 8, इस तरह 1+1 क्या होगा 2, और 6+0 क्या होगा 6, और 10+4 क्या होगा 14। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने देखे राइट हैंड साइड को लेना है, इसमें देखें ये लिखा हुआ है ए प्लस ब्रैकेट में है बी प्लस सी, इसको हम सॉल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी मैट्रिक्स लें जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 एंड 6, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी लिखेंगे, बी मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं 3, -2, 1 और 4, प्लस सी मैट्रिक्स क्या है 3, 1, उसके एलिमेंट्स हैं 3, 1, 0 एंड 4, ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये देखें इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये ऐसे आएगा ए मैट्रिक्स इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6, प्लस ये देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो अब देखें डायरेक्ट इसको मैं ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखूंगा, 3+3 क्या होगा स्टूडेंट 6, इस तरह से देखें -2 में 1 ऐड करें तो आंसर इसका क्या आएगा
माइनस वन आएगा, वन प्लस जीरो क्या आएगा वन, और फोर में फोर अगर ऐड करें तो आंसर आएगा एट। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे ए मैट्रिक्स है और ये बी और सी का सम जो है ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, इसका जो है वो आंसर देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू प्लस सिक्स क्या आएगा एट, टू प्लस सिक्स एट, थ्री में अगर हम ऐड करें माइनस वन तो यहाँ इसका आंसर आएगा टू, और फाइव प्लस वन क्या आएगा सिक्स, और इसी तरह से सिक्स प्लस एट क्या आएगा फोर्टीन। तो ये स्टूडेंट्स आया राइट हैंड साइड का आंसर। अब देखें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में था कि ए प्लस बी ब्रैकेट में था प्लस सी, इसका आंसर ये देखें आपके पास सामने आ गया ए टू सिक्स फोर्टीन, और राइट हैंड साइड का आंसर है ए प्लस ब्रैकेट में था बी प्लस सी, इसका आंसर जो आपके सामने आया ए टू सिक्स फोर्टीन। देखें आंसर दोनों सेम आ गए लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वाला जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं कि दस बेसिकली हम लिख सकते हैं कि दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये लॉ हमने वेरीफाई कर लिया, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं दस, हम कह सकते हैं ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ये स्टूडेंट्स हो गया आपका, ये हमने कर लिया वेरीफाई। तो ये स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आज आपका आपको ये जो लॉ है इसकी जो वेरिफिकेशन हमने की है आपको समझ आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।